गंधवानी के रिटर्निंग ऑफिसर विशाल धाकड़ IAS व गंधवानी तहसीलदार राजेश भिड़े अपनी टीम के साथ गंधवानी के आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित दुकान पहुंचे। वहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज के स्टॉक में गड़बड़ी की गई। ऑनलाइन दिखाई देने वाला डेटा से ज्यादा मात्रा में अनाज सोसाइटी में मिला, जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो अनाज का वितरण समय पर नहीं किया गया या फिर अनाज की कालाबाजारी के लिए इसको स्टॉक किया गया। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फूड अधिकारी को मौके पर बुलाया गया और मामले की जांच हेतु आदेशित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी विशाल धाकड़ ने कहा कि यदि इस मामले में जांच के बाद लापरवाही पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। आज सोसाइटी में औचक निरीक्षण जो हमने गंधवानी में किया, उसमें हमने ये पाया कि उचित मूल्य की दुकान पर जितना अनाज होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा क्विंटल हमें अनाज उस दुकान पर मिला, जिससे ये साबित होता है कि किसी प्रकार की धांधली वहाँ पर हो रही है। अगर मैं आपको कि आंकड़ों में बताऊँ स्पष्ट में, तो AEPDS आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनुसार जो वेबसाइट पे उसमें अनाज होना चाहिए था 135 क्विंटल वीक, मतलब कि 135 क्विंटल गेहूँ होने चाहिए थे, लेकिन हमें 171 क्विंटल गेहूँ जो PDS शॉप है वहाँ पे मिले। इससे ये क्लियर पता होता है या तो अनाज बांटा नहीं गया है या उसमें किसी प्रकार की तो कोई लापरवाही हो रही है या वहाँ पे अनाज स्टॉक किया जा रहा है और जो राशन होल्डर है उनको राशन बांटा नहीं जा रहा है। इसके अलावा राइस चावल में भी फोर्टिफाइड राइस में 49 जो क्विंटल है राइस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे 61 क्विंटल राइस PDS शॉप पे हमें मिला। इससे भी ये साबित होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक रखा है, जो कि आंकड़ों में ऑनलाइन आंकड़े हैं उसके अनुसार 11 क्विंटल ज़्यादा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा स्टॉक रखा है, या तो बांटा नहीं गया है या उसे समय पर नहीं बांटा जा रहा है, तो इसमें लापरवाही है और इस लापरवाही पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। PDS कंट्रोल ऑर्डर 2015 और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इस पर कार्रवाई होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर FIR भी होगी। और उस जो दुकानदार है जिसके पास PDS शॉप है सोसाइटी है, उसको सोसाइटी को लिखा जाएगा कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाएं और इसके खिलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई। सर, गंधवानी क्षेत्र में विकास खंड में ऐसी कई दुकान है जहाँ पर अधिकांश धांधली की खबरें आती है सर, वहाँ पर जो है गरीबों को राशन दो दो महीने तक बांटा नहीं जाता है सर, तो इसको लेकर क्या कुछ आपकी ओर से प्रयास रहने वाले हैं? इसकी ओर से मैं यही कहूँगा कि हमारे अधिकारी JSO भी, फूड विभाग से भी और बाकी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जिनको भी पावर्स है एक्ट और ऑर्डर में, वो सब इसकी देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी लापरवाहियाँ हैं, तो हम औचक निरीक्षण हर जगह जाके कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी जब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो उम्मीद है कि जो भी लोग धांधली कर रहे हैं वो इसमें सतर्क होके इस चीज़ को बंद कर देंगे और हमें इसमें बिल्कुल भी लापरवाही हम नहीं बरतेंगे। जहाँ भी हमें ये शिकायत मिलेगी वहाँ पर हम निरीक्षण करेंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। Subscribe now to most exciting channel ever.